टांडा प्रोजेक्ट जो TISS का फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है उसमें पिछले 4 साल से NT-DNT जो कम्युनिटी है न्यू बॉम्बे में उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के साथ हमारा काम चल रहा है। NT-DNT अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो 42 कम्युनिटीज़ हैं और ऐसे देश में लगभग 500 से ज़्यादा कम्युनिटी पूरे देश में है। इनमें ज़्यादातर ये कम्युनिटी जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से फिर तीसरे गांव, जहां उनको काम मिलेगा उस हिसाब से वो लोग चलते रहते हैं और फिर उनका काम के ऊपर उनका कम्युनिटी ये होता है। मतलब अगर एक NT-DNT में वडार कम्युनिटी है जो मैं जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो उसमें वो वडार कम्युनिटी जो है वो पत्थर काटने का काम करता है। उसके साथ बंजारा कम्युनिटी है तो वो जो भी सामान पुराने ज़माने में इतने गाड़ी नहीं होते थे या कुछ आने जाने के लिए कुछ होता नहीं था तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम है वो बंजारा कम्युनिटी करती थी। तो ऐसे जितने भी कम्युनिटी अभी महाराष्ट्र में 42 कम्युनिटी है सबके पास कुछ ना कुछ मतलब अपनी अपनी कला है। मतलब पत्थर अगर वडार कम्युनिटी पत्थर काटती है तो उसमें भी कला है, उससे भी वो मूर्ति तैयार करते हैं पत्थर से, या पुराने ज़माने में मिक्सर या ये कुछ होता नहीं था तो वो हाथ से वो करने वाला वरवंटा हम लोग बोलते हैं उसको, तो वो लोग करते थे। मतलब ये जो कम्युनिटी है सब वो कला उनमें कुछ ना कुछ है। लेकिन आज के इसमें अगर देखेंगे तो पत्थर का काटने का काम जो करते हैं वो बड़े बड़े मशीन करते हैं या मिक्सर ग्राइंडर जैसे ये आ गए हैं। तो इनका जो पिछला जो लाइवलीहुड का था तो वो पूरा एकदम मतलब चला गया। और पत्थर भी आजकल गवर्नमेंट का भी जो कानून है अपना जो जंगल का तो उसके हिसाब से वो पत्थर भी काटने नहीं देते उनको। तो फिर वो लोग आज सिटी में आ गए हैं सब लोग और सिटी में उनका सबका आज जैसे बाकी कम्युनिटी काम करती है जैसे ड्राइविंग हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, महिलाएं जो है ज़्यादातर दूसरों के घर में जाके बर्तन घसना या झाड़ू मारना या ये सब काम में अभी ये कम्युनिटी धीरे धीरे आ रही है। और पिछला जो काम था उनका वो सब ये कम्युनिटी ने धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि अभी वो काम कोई करता ही नहीं है। इस कम्युनिटी का अगर हिस्ट्री देखेंगे हम लोग NT-DNT जो भी है तो इसमें वो लोग जब हमारे देश में अंग्रेज लोग थे तो उस वक्त सभी लोगों को अंग्रेज लोगों ने गुलाम करके रखा था हमारे देश में। लेकिन ये जो कम्युनिटी है जो ये घूमते रहते थे एक गांव से दूसरे गांव तो इनको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था अंग्रेज सरकार को। तो फिर अंग्रेज सरकार ने सोचा कि इनको कंट्रोल करें, अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये लोग कल हमारे खिलाफ आ सकते हैं ये लोग सब, तो इनको क्या किया जाए। तो फिर उस वक्त 1871 में एक कानून बनाया गया जिसको हम लोग सिटी एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोलते हैं। तो फिर उसमें ये सारे लोग हैं उनको ये कम्युनिटी को उन्होंने क्रिमिनल कर दिया। और महाराष्ट्र में ऐसे 10 कम्युनिटीज है 42 में से जो इस सिटी में आते थे, उसमें 10 बंजारा है, वडार है, कैकाड़ी है, मसनजोगी है। तो ये लोग क्या करते थे इनको पकड़ के एक ओपन जेल होता था, सेटलमेंट उसको कहते थे, और उसमें उनको रखा जाता था। सुबह उनको काम के लिए भेजा जाता था बाहर, फिर शाम को वापस उनको उस सेटलमेंट में रख दिया जाता था। अगर किधर उनको गांव जाना है या बाहर किधर भी जाना है तो उनको परमिशन लेके जाना पड़ता था। और जिस गांव में जाएंगे उस गांव में जो वहाँ का सरपंच होता है या पाटिल होता है तो उसको वो लेटर एक होता था उनके पास जो यहाँ से उनको मिलता है, तो वो लेटर उनको दे के किसके पास रहने वाले हैं और कितने दिन रहने वाले, क्या काम के लिए रहने वाले, तो ये सब उनको जानकारी देना पड़ता था। तो बहुत मतलब उनको प्रॉब्लम होता था एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो, और अंदर भी उनके सेटलमेंट के अंदर भी उनको अलग अलग जैसे रखा था। अभी वडार कम्युनिटी है तो वडार कम्युनिटी का अलग ये,
और बंजारा है तो बंजारा अलग है, मसनजोगी है तो वो अलग, ऐसे करके रखा हुआ था उनको। फिर ये जो कानून, देश आज़ाद होने के बाद भी ये कानून हमारा वैसे ही था, तो उसके बाद ये 1952 में ये कानून हटा के उसमें थोड़ा सा बदल करके दूसरा कानून उसमें लाया गया है। आज के अगर इसमें देखेंगे हम लोग, जो इस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, अगर वडार कम्युनिटी बोलते हैं तो कौन वडार है क्या है उनको कुछ भी पता नहीं है किसी को। तो और इस कम्युनिटी के अंदर, इस लोगों के अंदर ज़्यादा पढ़ाई का ये नहीं है, इस वजह से कोई आगे नहीं आता है। लीडर जो है वो अपने अपने स्वार्थ के लिए इस कम्युनिटी का यूज़ कर लेते हैं। एक तो है ना कि वडार कम्युनिटी के अंदर भी कास्ट है, उसमें भी चार पांच है, उसमें दगड़ वडार है, माती वडार है, गाड़ी वडार है। तो ये लोग उनके बीच में भी कुछ रिलेशन नहीं होता है, मतलब अगर मैं गाड़ी वडार है और एक कोई माती वडार है तो उनका भी कुछ मतलब शादी का या किसी का रिश्ता नहीं करते वो लोग। तो कम्युनिटी के अंदर ही कास्ट का इतना प्रॉब्लम है। तो हर एक ये जो वडार समझ में अलग अलग कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी बोलते हैं उसको, तो वो लोग खुद को बड़ा समझते कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ। तो और इसके वजह से वो लोग जल्दी जुड़ते नहीं एक दूसरे के साथ, और फिर ये प्रॉब्लम होता है। और बाकी अगर कम्युनिटी के साथ देखेंगे तो वही है कि मैं वो तो क्या, वो बंजारा है उसके साथ मैं क्यों जाऊँ, वो मसनजोगी वो तो शमशान में रहता है उसके साथ मैं क्यों जाऊँ। तो ये है ना कि हर एक इसमें कम्युनिटी के लोग खुद को ये समझते हैं। अभी एक राजस्थान में एक कम्युनिटी है जो जो ऐसे बोलती है कि हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो ऐसा है ना कि वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। अगर ऐसा तुम जब समझोगे तो सरकार आपको क्या ये करेगी। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना है कि आपके कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है एजुकेशन का है, जितना अपना अपना लाइवलीहुड का जो हो रहा है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन का इतना ये है, तो ये सब बातें करना चाहिए ना कि हम बड़े हैं, हम हमारा कास्ट बड़ा है, तो ये सब इसमें चल रहा है। आइडेंटिटी का अगर देखेंगे तो सिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे सिटी में अगर आप देखेंगे तो स्लम्स में अगर जाएंगे तो स्लम में सब तरह की कम्युनिटी आपको मिलेगी। तो उसमें आप बता नहीं सकते कि कौन NT-DNT या कौन कौन से कम्युनिटी का है। तो उसमें कैसे कि सब लोग साथ में मिल कर रहते हैं, सब लोग कुछ भी त्यौहार करना है, कुछ भी प्रोग्राम करना है तो साथ में आके करते हैं सिटी में। लेकिन गांव में ऐसे नहीं है, रूरल में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे कम्युनिटी के जैसे आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, एक वडार वाड़ा हो गया, ये बुद्ध वाड़ा हो गया, या और भी कोई जाति जाति के नाम पे वहाँ पे डिवाइडेशन कर देते हैं। तो अगर मैं वडार हूँ और गांव में अगर एक तालाब या विहीर है तो उसमें मैं पानी नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि वो विहीर जो है वो मराठा कम्युनिटी के लोगों के यहाँ पे है, तो उसमें मैं जाके पानी नहीं भरता हूँ। मैं गांव से बाहर जाके जो विहीर है दूर जहाँ पे, तो वहाँ से मुझे वो पानी लाना पड़ेगा। तो ये गांव में ज़्यादातर होता है, लेकिन सिटी में अगर देखेंगे तो आइडेंटिटी का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिटी में अगर देखेंगे तो एजुकेशन के ऊपर होता है, हमारे यहाँ पे देखेंगे तो जो म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है तो वहाँ पे कास्ट के को लेकर मतलब डायरेक्टली ऐसे कोई ओपनली बोलता नहीं है, लेकिन जब हम लोग हमारे जो अभी ये चल रहे कम सेंटर्स से जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बच्चों से हम जब पूछते हैं तो बच्चे हमको बताते हैं कि नाम से वहाँ पे ये किया जाता है कि तू तेरा ये है कास्ट है तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, तुम लोग ऐसे ही हो। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब एजुकेशन के मामले में होता है। यहाँ पे होता है कि जब पुलिस स्टेशन का अगर कुछ होता है मैटर, तो पहले तो ये कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया CTA का एक्ट है, तो जब पुलिस पुलिस ट्रेनिंग होता है वहाँ पे भी उनको CTA एक्ट के बारे में बताया जाता है, और उसमें उनको बताया जाता है कि ये जो कम्युनिटी है ये लोग चोरी करते हैं, ये लोग ऐसे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसमें ये लोग ये कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो पुलिस का भी नज़रिया वैसे ही बन जाता है, जब भी बस्ती में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहले ये कम्युनिटी पहले नाम पूछेंगे,
अगर नाम से पता चल जाता है कि ये कौन से कम्युनिटी का है, तो फिर उसके ऊपर से फिर उसको उठा के डाल देते हैं अंदर, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पारदी कम्युनिटी अगर देखेंगे तो पारदी कम्युनिटी अगर उसने कुछ किया भी नहीं होगा तो उसको उठा के डाल देंगे। पारदी अगर है तो वो चोरी है, बाकी पारदी कम्युनिटी कुछ दूसरा काम ही नहीं कर सकती, ऐसे उनके दिमाग में सोच बन गया है। सिटी के अंदर ना ज़्यादातर प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है और रिजर्वेशन को लेकर है। जैसे अभी बाहर आप देखेंगे आंध्रा में और कर्नाटक में देखेंगे तो वडार कम्युनिटी को SC ST में रिजर्वेशन है और वहाँ पे वो लोग ज़्यादा पढ़ लिख के आगे जाते हैं। वैसे महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, महाराष्ट्र में NT-DNT का जो है 2% आरक्षण है, उसमें भी वो मिलता नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर निकालने जाते हैं तो वो लोग 1961 का प्रूफ मांगते हैं। अगर 1961 का प्रूफ कहाँ से देंगे जब वो एक जगह पे स्थिर ही नहीं थे, पहले वो लोग घूमते थे, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से रख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अगर उनको मिल गया और अगर SC ST में अगर रिजर्वेशन मिल गया तो ये कम्युनिटी आगे आ सकती है, नहीं तो फिर इनके लिए कुछ तो अलग करना चाहिए। जैसे SC ST है वैसे इनके कम्युनिटी के लिए, इनके लिए कुछ तो अलग अगर करेंगे तो पढ़ाई में ये लोग आगे जाएंगे। अगर पढ़ाई में ये लोग अगर आगे गए तो फिर हर चीज़ में ये लोग आगे जा सकते हैं। और जैसे अभी देखेंगे आंध्रा में और कर्नाटक में देखेंगे तो रिजर्वेशन होने के कारण उनके 12 या 13 MLA है, वैसे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो एक भी MLA नहीं है इस कम्युनिटी का। तो जब तक इन इनमें से कोई लीडर नहीं बनेगा तब तक वो अब तक सवाल कैसे जाएंगे। तो ये सब गोल गोल है एक दूसरे के साथ। वुमेंस का ऐसा है ना कि उनको तो एक तो बाहर के दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ भी मतलब प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे दूसरे महिलाएं जैसे काम करती है या अभी अगर स्कीम देखेंगे गवर्नमेंट का तो बहुत सारे SC ST कम्युनिटी के लिए स्कीम है, NT-DNT के लिए इतना ज़्यादातर स्कीम नहीं है। और उनमें उसके अंदर उन वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके साथ साथ उनके बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस वजह से उनको बाहर के कुछ सुविधा मिलते नहीं है। और कम्युनिटी के अंदर अगर देखेंगे तो भी घर में ही उनका पति मतलब इतना, हमने एक बीच में एक सर्वे किया था उसमें 70% जो लोग हैं वो लोग मतलब व्यसन के इसमें है, वडार कम्युनिटी के अंदर इतना बड़ा ये है। और ज़्यादातर वो लोग व्यसन में है, जल्दी मर जाते हैं, फिर वो महिला अकेली हो जाती है, फिर जो गवर्नमेंट के स्कीम है विधवा महिलाओं के लिए वो भी उनको मिलते नहीं है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कुछ। तो ये सब प्रॉब्लम है उनके महिलाओं के लिए। टांडा का जो काम है वो 2012 से शुरू हुआ था, 2012 में पारदी कम्युनिटी के साथ काम शुरू हुआ था, उस समय मैं नहीं था यहाँ पे मानकुर में, जो हमारे मयंक सर है उन्होंने शुरू किया काम। फिर उसके बाद 2012 में ही मैं दिसंबर से मैं ज्वाइंट हो गया। जब जब मैं यहाँ पे आया तो हम लोग पहले तो कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि NT-DNT कम्युनिटी नवी मुंबई में काम करना था हमें, तो नवी मुंबई में कहाँ कहाँ है, तो हमने ऐसे तुर्बे, नौशील, फिर दीघा, ऐसे करके हमने 7-8 बस्तियों में जाके कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया। लेकिन शुरुआत में जब हम काम करने गए तो हमने सोचा नहीं था कि इतना ये कम्युनिटी ये होगा। तो मैं उस कम्युनिटी के कम्युनिटी से होके भी मुझे वो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको बाकी लोगों को इतना विश्वास ही नहीं है कि वो लोग कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो फिर हमने बहुत दिन उनसे बात करके 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 फिर थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। पहले तो हमने महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया, महिलाओं में हमने पहले तो बस्ती के जो मेन मेन 2-3 महिलाएं होती है उनको बुलाया, फिर उनके साथ मीटिंग की, उनको बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ तो करना चाहते हैं, आप लोग बाकी समाज के इसमें अगर देखेंगे तो आप लोग बहुत पीछे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनके साथ आना होगा आगे, तो इसके लिए काम करना, संगठन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संगठन नहीं करेंगे तब तक आपके सवाल आगे नहीं आ सकते। तो
तो फिर हमने ऐसे हर बस्ती में ऐसे दो तीन महिलाओं को लेके ये किया। फिर उसके बाद वो उन महिलाओं को बोला कि आप और महिलाओं को जोड़िए, और हर एक बस्ती में हमने SHG से स्टार्ट किया। तो हमने सिर्फ वडार कम्युनिटी के महिलाओं को लेके SHG शुरू किया। पहले वडार आ गए, फिर उसके बाद बंजारा आ गए। तो ऐसे अभी न्यू बॉम्बे में दो ही कम्युनिटी है, लेकिन बाकी जगह और भी कम्युनिटी है। फिर हम लोग ने महिलाओं का संगठन बनाया, जिसको हम वज्र महिला संगठन कहते हैं। दिसंबर 2012 से हमने शुरू किया, और वज्र महिला संगठन के नाम से हम लोग अभी बस्ती में काम करते हैं, और जो भी NT-DNT के महिलाओं को है उसमें हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और फिर उसका हर महीने में मीटिंग हर बस्ती में हम लोग लेते थे। मीटिंग में जो भी उनके कम्युनिटी का इशू है, जैसे वायलेंस का एक इशू आता था कि हर घर में कहीं ना कहीं मारपीट है, कहीं ना कहीं किसी का पति दारू पी के उसको मारता है, तो वो महिलाओं को भी पता नहीं था कि हमारे साथ मतलब ये अत्याचार हो रहा है। तो उसके बाद हमने धीरे 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 उनको बताया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, आप क्यों सहन करती है इतना। फिर वायलेंस के इशू के लिए हमने स्पेशल सेल जो वुमन हमारा यहाँ पे है TSS का, तो उनके साथ कोलेबरेट करके हमने 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो हर महीने में TSS में होता था। उसमें हमने हर एक बस्ती से दो दो जो लीडरशिप में महिलाएं हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया, और वायलेंस के बारे में उनको डिटेल हमने जानकारी दी, क्लिप दिखा के अलग अलग तरीके से उनको बताया। तो फिर अभी 2 साल हो गए हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो महिलाएं क्या करती थी, यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने बस्ती में मीटिंग में वो बताती थी, तो ऐसे होता था। और जो भी केस आते थे तो वो महिलाएं लेके जाके फिर केस फाइल करते थे, या कोर्ट में जाता था वो। तो फिर ऐसे हम लोग ने वायलेंस के ऊपर काम शुरू किया। अभी ऐसे है कि अभी हमारा थोड़ा काम वायलेंस में कम हो गया, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा केसेस देखते नहीं, जो महिलाएं लीडरशिप में हैं वही खुद ब खुद जाके वो कर लेती है। उसके बाद सवाल आया कि कम्युनिटी में बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन अगर देखेंगे तो बच्चे 7th 8th में जाते हैं, लेकिन उनको ABCD नहीं आता है, ऐसी ख़राब कंडीशन थी। और फिर मम्मी पापा को भी ऐसा लगता है ना कि पढ़ लिख के क्या करना है, जाओ 2 पैसे कमाओ और फिर लेके आओ, तो उनको भी इतना पता नहीं था कि क्या एजुकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके बाद हमने उनको समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं, एजुकेशन होना चाहिए। और सेंटर शुरू करने से एक हमको भी पता चला कि जो बच्चे स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको, लेकिन उनको बेसिक ही नहीं आ रहा है, तो सिलेबस फिर कैसे कर सकते हैं। तो हमने फिर बेसिक के ऊपर ध्यान दिया ज़्यादातर। फिर जो बच्चा जिसको बेसिक नहीं आता उसको बेसिक पढ़ाया जाए, और जिसको आता है तो फिर उसको आगे का पढ़ाया जाए। तो ऐसे हमने अभी शुरू किया। अभी इस साल से हम लोग ई लर्निंग का भी कर रहे हैं, हर एक सेंटर में हम लोग अभी ई लर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे 3 सेंटर है अभी, जहाँ पे फर्स्ट से लेके 9th तक बच्चे आते हैं, और उनमें उनको हम लोग मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और सैटरडे के दिन पूरा एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी में फिर अलग अलग एक्टिविटी के ज़रिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं वो सब हम लोग करते हैं। और फिर अभी इस साल से हम लोग लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरी। उसमें हमने अभी किताबें भी खरीदी है, सब हमारा हो रहा है अभी। तो ज़्यादातर हमारा अभी फोकस एजुकेशन और महिलाओं को लेकर ही चल रहा है, और बच्चों के साथ हमारा काम चल रहा है।